हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। तो यार, आज की इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीसीई बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रेगुलरली आते रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से आपको एक को भी स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से करना है। दोस्तों, जैसा कि सब्जेक्ट का नाम है बेसिक कंप्यूटर, तो पूरे सब्जेक्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसा कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, रैम, रोम, DDL, DML, DBMS, ये सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड ही सब कुछ दिया हुआ है, जिसका बेसिक नॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट करना है थोड़ा, और डायग्राम्स वगैरह का अच्छे से कर लेना है, बाकी आपका काम हो गया है। कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए दोस्तों ट्राई यही करना कि 70 आउट ऑफ 70 आ जाएं, क्योंकि यार आपके जो पिछले एग्जामिनेशन गए हैं, कुछ लोगों के अच्छे गए हैं, कुछ के नहीं गए हैं, इसलिए भाई अभी आपके पास मौका है, VCE में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। वैसे कंप्यूटर में अगर आपको A या फिर B प्लस ग्रेड मिलता है, तो भाई आपकी CGPA, SGPA ग्रो हो जाएगी। अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आप कर सकते हैं, बाकी मैंने कर लिया है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि भाई इतने आ जाते हैं कि आप फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट अगर करके जाते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे, और अगर पूरा करके जाते हैं तो भाई 70 आउट ऑफ 70 भी आराम से आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है रैम एंड रोम। दोस्तों, रैम एंड रोम आपको अच्छे से पढ़ना है, रेगुलरली आता रहा है, इतवार भी चांसेस हैं आ जाएगा, इसके बीच डिफरेंट भी पूछ लेता है और शॉर्ट नोट्स में भी पूछ लेता है, तो दोनों तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, साथ के साथ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, इसको एक ही क्वेश्चन बना के दे सकता है अगर पेपर का लेवल इंक्रीज करना होगा तो, कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बताओ, साथ साथ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाओ, ऐसा। इसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, जिसमें आपका सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच डिफरेंट पूछ लेता है, कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है, तो डिफरेंट भी करना है, अलग अलग से भी करना है, डिफरेंट कर लीजिए, दोनों आपसे बन जाएंगे। इसके बाद बारी आती है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, इष्ट फंक्शंस, वो भी आपको कर लेना है। फर्स्ट यूनिट से इतने टॉपिक्स रेगुलरली आते रहे हैं, चांसेस हैं इन्हीं में से इस बार भी आएंगे। चलते हैं सेकंड यूनिट की ओर। दोस्तों, सेकंड यूनिट में से आपका शॉर्ट नोट्स में टोकेंस वगैरह, फ्रेंड फंक्शन, ये आ जाता है, एक्सप्लेन इनहेरिटेंस एंड इट्स टाइप्स, इनहेरिटेंस के टाइप्स और व्हाट इज इनहेरिटेंस, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एल्गोरिदम वगैरह, साथ साथ आपका WOP वर्सेस POP, ये क्वेश्चन मतलब कि कंपेयर में बिटवीन में आ जाता है। दोस्तों, सेकंड यूनिट से आपको इतने टॉपिक्स कर लेने हैं। दोस्तों, ये तो क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों थर्ड से फिफ्थ यूनिट तक के कुछ ऐसे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि भाई क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, टॉपिक्स नहीं है, जो कि आपको सामने दिख रहे होंगे। इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों यूनिट के सुपर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूड है, क्वेश्चंस जो कि आपको सामने दिख रहे हैं, तो भाई इनमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के मैंने आपको बता दिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के ये रहे, और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी ये फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। आपका लास्ट एग्जाम है, इजी एग्जाम है, तो भाई ये ऑल टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, जिससे कि एग्जाम में फोड़ सको। तो दोस्तों, आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।